सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आप आज का ये अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं। कांवड़ यात्रा होने के बाद में आज भी 17 अगस्त को आज भी हजारों की संख्या में लोगों का कुबेरेश्वर धाम में आना यहाँ पर शुरू है और बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में पहुँच रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कल कांवड़ यात्रा के दौरान जिन कांवड़ का इस्तेमाल किया गया था उसका भंडार यहाँ पर लग गया है। ऐसे कई सारी जगह पर कुबेरेश्वर महादेव के कुबेरेश्वर धाम में ऐसी कई सारी जगह पर भंडार आपको दिखेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रेवल संसार यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में 17 अगस्त 2023। कल जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भव्य ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा का आयोजन पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सानिध्य में हुआ और एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा का दर्शन हम सभी ने किया। आज 17 अगस्त आप देख रहे हैं कांवड़ यात्रा कल समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कुबेरेश्वर धाम में भक्तों का श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर लगा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जिन्होंने कल कुबेरेश्वर महादेव का कांवड़ यात्रा में शामिल होकर अभिषेक नहीं कर पाए थे वो सभी लोग आज यहाँ पर कुबेरेश्वर महादेव के इस धाम में पहुंचकर कांवड़ यात्रा करके जल के द्वारा कुबेरेश्वर भंडारी का कुबेरेश्वर महादेव का अभिषेक कर रहे हैं, जिसका नज़ारा आप ये देख पा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम सीहोर से। और आज की इस कांवड़ यात्रा में बहुत सारे अद्भुत संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं और 17 अगस्त आज कांवड़ यात्रा के दूसरे दिन भी लोगों का बड़े भारी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है। लोग कुबेर भंडारी पर जल अर्पण कर रहे हैं। जो लोग कल शामिल नहीं हो पाए थे वो कुबेर भंडारी का आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं और बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज का ये आप देख पा रहे हैं। और आज सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत है क्योंकि कल कांवड़ यात्रा निकली थी जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए थे, लेकिन आज कांवड़ यात्रा के बाद में दूसरे दिन भी आप देख रहे हैं जो नहीं आ पाए वो आकर यहाँ पर अपना जो भी उनकी मनोकामना है पूर्ण होने के बाद में या मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं। और कुबेर भंडारी की इस शिला पर, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है अभी तक के प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति की किसी भी भगवान की नहीं हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो आप केदार शिला देख रहे हैं इसी केदार शिला को कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी के रूप में सभी लोग मानकर पूजन करते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा केदार शिला को यहाँ पर स्थापित किया गया है और बहुत ही अद्भुत ये केदार शिला है। इसका महत्व भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कई बार अपनी शिव महापुराण कथा के दौरान बताया है। उसी महत्व को जानकर लोग यहाँ पर आते हैं और आकर कुबेरेश्वर महादेव के इस प्रतीक को, केदार शिला को, भगवान केदारेश्वर महादेव को, गज शिला को यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन करके जो भी उनकी मनोकामना होती है वो बाबा से करते हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ पर आने के बाद 90 दिनों में आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं, हर कोई अपने साथ में जल लेकर आ रहा है और जल कुबेरेश्वर महादेव पर अर्पण किया जा रहा है। उसके साथ में ही फूल, बेलपत्ती, चावल जो भी कोई लेकर आ रहे हैं, पूरा यहाँ पर भंडार हो चुका है। आप देख रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव के आसपास में पानी ही पानी, फूल पत्ती, बेलपत्ती, चावल सब यहाँ पर चढ़ा हुआ है और हर कोई यहाँ पर बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ आकर कुबेर भंडारी का पूजन करता है। और बड़ा ही सुंदर अद्भुत ये नज़ारा, अलौकिक दृश्य हम सभी के सामने आज देखने के लिए मिल रहा है, जिसका दर्शन हम सभी कर रहे हैं, जिसके साक्षी हम सभी यहाँ पर बन रहे हैं। और एक ऐसा धाम कुबेरेश्वर धाम जहाँ पर आज पूरे भारतवर्ष में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र कुबेरेश्वर धाम बन चुका है, जहाँ पर हर शहर से, राज्य से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पटना, बिहार, ऐसे कई सारे लोग यहाँ पर आकर कुबेरेश्वर महादेव के इस धाम में अपनी हाजिरी लगाते हैं और बाबा से अपने मन की मनोकामना बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। तो ये आप बहुत ही सुंदर अलौकिक नज़ारा देख रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव का, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर हर जगह पर लोग ही लोग दिखाई देंगे। हर कोई जो कल अपनी मनोकामना नहीं कर पाए थे पूर्ण, जो कल यहाँ पर जल नहीं चढ़ा पाए थे वो सभी आज यहाँ पर कुबेर भंडारी पर जल अर्पण कर रहे हैं। और साथ ही में जैसा कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के दिन मतलब 16 अगस्त को रुद्राक्ष का वितरण नहीं किया जाएगा, तो कल रुद्राक्ष का वितरण बंद था लेकिन आज यहाँ पर रुद्राक्ष का वितरण भी चालू हो चुका है और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सभी रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं। रुद्राक्ष के 10 काउंटर यहाँ पर चल रहे
गए हैं, जिसमें बड़ी ही आसानी से लोगों को रुद्राक्ष यहाँ से वितरण किया जा रहा है और हर कोई यहाँ पर जो भी आ रहा है रुद्राक्ष लेकर ही यहाँ से जा रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर अद्भुत नजारा कुबेरेश्वर धाम सीहोर का हम सभी देख पा रहे हैं। और वैसे भी ये अभी सावन का ये पवित्र माह चल रहा है, जिसमें सावन के इस पवित्र माह में आप अगर कांवड़ यात्रा के दौरान जल अर्पण नहीं कर पाए तो आप अभी भी कांवड़ यात्रा के बिना भी यहाँ पर कुबेर भंडारी के दरबार में पहुंचकर जल अभिषेक कर सकते हैं। आप समय निकाल कर अगर आप कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं तो आप कुबेरेश्वर महादेव के कुबेरेश्वर धाम में जरूर आए और यहाँ आकर कुबेर भंडारी का जल से अभिषेक करें और अपनी जो भी इच्छा है वह कुबेर भंडारी के चरणों में समर्पित करें, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो। जैसा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि यहाँ मांगी हुई हर मनोकामना 90 दिनों में पूरी होती है, तो आप भी जरूर आकर कुबेर भंडारी के इस अद्भुत धाम के दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य यहाँ पर पूर्ण होती है। और ये आप देख पा रहे हैं कांवड़ यात्रा में जिन कांवड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था उसका ये भंडार यहाँ पर लग गया है। हर तरफ ऐसे कई सारे भंडार आपको कांवड़ के देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर जो लोग भी आते हैं कुबेरेश्वर महादेव का जल से अभिषेक करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्ती चढ़ाते हैं और उसके बाद में जैसा कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान बताया है कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, तो इसी बात को मानते हुए यहाँ पर हर कोई अपने जिस भी भाव से यहाँ आता है तो कुबेरेश्वर महादेव का कंकर के रूप में पूजन करता है। आपको हर तरफ यहाँ पर लोग कहीं पर भी आप देखेंगे तो किसी भी पत्थर को रखकर उसको शिव के रूप में मानकर, शंकर के रूप में मानकर उसका अभिषेक करते हैं, पूरे श्रद्धा भावना के साथ पूजन करते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलकर चले जाते हैं। आपको ऐसा अद्भुत नज़ारा, आस्था का ऐसा अद्भुत नज़ारा अगर कहीं देखने के लिए मिलता है तो वह आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत ये दृश्य हम सभी के सामने है, जिसको हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और सावन के इस पवित्र माह में जरूर आप कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए एक बार यहाँ पधारे, ताकि आपको भी ऐसे अद्भुत दर्शन करने का मौका, अवसर मिल पाए। और साथ ही आप कुबेरेश्वर धाम में अगर आते हैं तो यहाँ से आप उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, साथ में ही देवास में चामुंडा माता के दर्शन के लिए भी आप यहाँ से जा सकते हैं और उसके साथ में ही आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। तो आप एक साथ में ही कुबेरेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और साथ ही बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और देवास में स्थित चामुंडा माता के दर्शन, ये सभी भी आप एक साथ कर सकते हैं। तो कैसे करना है, कैसे आप कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा कि आप एक साथ में ही तीनों जगह के दर्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कहां पर घूम सकते हैं, कितना खर्चा आपको आता है, ये सारी जानकारी अगले वीडियो में आप जरूर देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए अपडेट के साथ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। लाइक और शेयर, कमेंट, हर हर महादेव जरूर करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में।